हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने जियो गीगा फाइबर का ऑर्डर दिया था और वह मेरे घर पे आ चुका है। जियो गीगा फाइबर के बंदे ने मेरे घर में इंस्टॉलेशन का काम स्टार्ट कर दिया है। जब तक मैं आपको इसका क्विक अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ कि जियो गीगा फाइबर के पैकेज में आपको क्या क्या मिलता है। इसमें हमें दो सामान मिलता है, एक तो जियो का 4K सेट टॉप बॉक्स है और एक जियो का वाईफाई राउटर है। तो एक एक करके हम दोनों बॉक्स को अनबॉक्स करके देखेंगे कि अंदर में क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये वाला बॉक्स अनबॉक्स करके दिखाता हूँ जो कि 4K सेट टॉप बॉक्स है। ये 4K सेट टॉप बॉक्स और ये वाईफाई राउटर दोनों मिला के उन्होंने मुझे सिर्फ 2500 रुपये में दिए हैं इंस्टॉलेशन लेके, क्योंकि इंस्टॉलेशन 1000 रुपये के होते हैं और 1500 रुपये उन्होंने सिर्फ 1500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है। उस 1500 रुपये के बदले उन्होंने हमें एक 4K सेट टॉप बॉक्स दिया है और ये एक वाईफाई राउटर दिया है। तो चलिए 4K सेट टॉप बॉक्स को हम अनबॉक्स करके देखते हैं अंदर में क्या है। बॉक्स पे आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेड इन इंडिया दिखा रहा है। तो सबसे टॉप में हमारा ये 4K सेट टॉप बॉक्स, इसी में यहाँ पे रख देता हूँ, मैं आपको थोड़ी बात दिखाऊंगा। और ये एक लीफलेट है, क्विक स्टार्ट गाइड, जो कभी कुछ काम नहीं आता है, इस साइड में रख देते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या है। एक HDMI केबल दिया है उन्होंने, एक LAN केबल दिया है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा क्वालिटी का लग रहा है। एक पावर अडेप्टर है जिसका रेटिंग है 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर। और साथ में हमें मिलता है ये एक स्मार्ट रिमोट, इसमें बैटरी है क्या चेक कर लेते हैं। जी हाँ, इसके अंदर बैटरी लगा हुआ है। इसमें आपका वॉइस का फंक्शन भी है, आप होम पेज भी हो इस पर आप ये वॉइस बटन दबा के आप बोलोगे आज तक तो आज तक लग जाएगा, आप बोलोगे ZTV तो ZTV लग जाएगा, आप बोलोगे Sony TV तो Sony TV लग जाएगा। तो ये मुझे एक अच्छा फीचर लगा। मैं आपका डिटेल में रिव्यू इसके बारे में बाद में करूँगा, ये हमारा अनबॉक्स वीडियो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नंबर आता है इस 4K सेट टॉप बॉक्स का। तो फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप का है हमारा ये 4K सेट टॉप बॉक्स जो कि जियो गीगा फाइबर के साथ फ्री में आता है। इसके पीछे में पोर्ट्स वगैरह देख लेते हैं। ये है पावर सॉकेट, ये USB 3, ये USB 2, ये LAN सॉकेट, ये HDMI सॉकेट, ये ऑप्टिकल फाइबर का सॉकेट है और ये एंटीना इनपुट का सॉकेट है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को हम साइड में कर देते हैं, अब देखते हैं वाईफाई बॉक्स के अंदर क्या है। तो फ्रेंड्स चलिए, अब हम इस वाईफाई बॉक्स को अनबॉक्स करके देखते हैं अंदर में क्या है। इसके बॉक्स के पीछे कुछ भी प्राइसिंग मेंशन किया हुआ नहीं है, बट यहाँ पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया कि वो जो सेटअप बॉक्स का बॉक्स था उसके पीछे था मेड इन इंडिया, ये जो वाईफाई बॉक्स आया है ये मेड इन चाइना। ठीक, इनका कुछ टाइप होगा आपस में। चलिए देखते हैं बॉक्स में क्या है। इसमें भी हमें पावर अडेप्टर मिल जाता है जो कि वाईफाई राउटर को पावर देने काम आएगा, और साथ में टेलीफोन का वायर दिया है जिससे हम वाईफाई राउटर की मदद से अपने टेलीफोन में लाइन ले सकते हैं। इसका इंस्टॉलेशन का वीडियो मैं आपको बाद में डिटेल में दिखाऊंगा। इस बॉक्स में भी बढ़िया क्वालिटी का लैन केबल आया है, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये लैन केबल मुझे बहुत अच्छा क्वालिटी का लग रहा है। साथ में ये एक फाइबर केबल आया है, ये क्या काम आएगा मुझे पता नहीं, क्योंकि जियो गीगा फाइबर वाले बंदे ने मेरे घर में पूरा इंस्टॉलेशन जो किया है उसमें इसका कोई यूज ही नहीं है। फिर भी बॉक्स में निकला है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक ठोस स्टिकर का स्ट्रिप है जो कि मुझे लगता है वो बॉक्स में सामने की तरफ लगाए जाएंगे, जो कि मेरे ख्याल से यूजलेस है। ये एक ठोस क्विक स्टार्ट गाइड है, इसे हम रख देते हैं। अब नंबर आता है हमारा ये जियो का वाईफाई बॉक्स का। तो फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप का है हमारा ये जियो गीगा फाइबर का वाईफाई बॉक्स। यहाँ पे पावर कनेक्टर है, दो USB पोर्ट दिए हुए हैं और कुछ LAN पोर्ट वगैरह दिए हुए हैं। यहाँ पर हमारा ये टेलीफोन का वायर लगेगा जिसकी मदद से हम अपने घर में एक टेलीफोन बॉक्स लगा के उसमें इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल ऑल ओवर इंडिया कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये था एक बहुत ही छोटा सा जियो गीगा फाइबर का क्विक अनबॉक्सिंग। होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगले वीडियो में हम जियो गीगा फाइबर का सेटटॉप बॉक्स का इंस्टॉलेशन और फाइबर बॉक्स का वाईफाई बॉक्स का इंस्टॉलेशन हम डिटेल में करके आपको दिखाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है ना।